सभी को जय धर्मे नमस्कार और जोहार। मेरे इस चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग भावेल्स ताल तोड़ का वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। ई से पांच शब्द, ए से पांच शब्द, उ से पांच शब्द ऐसे सीखेंगे। तो कोई भी इस चैनल में नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने शुरू करने से पहले ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त को भी मिल सके ये वीडियो, ताकि वो भी सीख सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे ई। ई से क्या होगा? एक होगा इंजो, इंजो। इसको तलंग सिक्की में कैसे लिखेंगे? ई इंजो। इंजो का मतलब है मछली, फिश या असम इसमें बोलता है आपका मांस। तो ये लिख लीजिए। तो इसके बाद देखेंगे ई से इन्नेला मतलब आजकल नाउडेज और दिस डेज। तो इसका तलंग सिक्की में कैसे लिखेंगे? ई इन्नेला। तो ये होगा आपका तलंग सिक्की में इन्नेला, और असमीस में आजिकालि। सो ये देखिए इन्नेला मतलब आजकल, नाउडेज और दिस डेज, आजकल, इन्नेला आजिकालि। तो इसके बाद आएगा आपका इदना। इदना का अर्थ है इदना। इसका और एक अर्थ है ई चांद। चांद मतलब ईयर। तो इसको क्या लिखेंगे तोलंग सिक्की में? ई दा ना आकार इदना। इदना मतलब इस वर्ष या दिस ईयर। और असमीस में क्या बोलेंगे? ए टू बसर। सो ये इतना है। इसको और कुड़ुक में ई चान भी बोलते हैं, और ये है हो गया आपका तोलंग सिक्की में इतना। और
ये है इस वर्ष हिंदी में, तो दिस ईयर ए टू बसर, तो ए टू बसर माने सुलित हुआ बसर। उसके बाद और एक है इदना, तो उसका अर्थ और एक शब्द है इदना, ये देने से ई को लंबा लंबा ध्वनि देना पड़ेगा, तो इदना इदना मतलब रोपना, धान रोपना या घास रोपना कोई भी है, तो रोपना। टू प्लांट, इंग्लिश में टू प्लांट ए ट्री और टू प्लांट क्रॉप्स, रोपना। तो इसका तरुण सिक्किम में ई, ये लंबी ध्वनि ई, दना इदना इदना। तो ये है रोकना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जाएंगे इत्रा, इत्रा इत्रा, ई इत्रा, इत्रा मीन्स। और एक शब्द है इजगो, इजगो दिस साइड, दिस साइड और हियर हियर, और इसको हिंदी में बोलेंगे आपको इधर, असम इसमें है इतरा, इतना मतलब इसको दिस साइड और हियर, इधर या ए फले हियर से होगा। तो नेक्स्ट शब्द में जाएंगे आप हम लोग, नेक्स्ट शब्द है इंदिरा, इंदिरा इंदिरा का मतलब है आपका कुरुख में, और एक शब्द है कोबी, कोबी कोबी इज व्हाट से वेल, पानी का कुआ, पानी का कुआ। कुआ ये नहीं, कुआ आसाम इसमें, कुआ तो ये है वेल, इंद्रा। पांच पांच शब्द हो गया ई से, अभी हम लोग जाते हैं ए, ए में। तो पहले शब्द हम लिखेंगे ए के लिए एड़पा, मतलब एड़पा इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे एड़पा, एड़पा, और हिंदी में घर, और असम इसमें घर। तो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद दूसरे शब्द में आएंगे इजना, या हिंदी में
Edna. Edna. इंग्लिश में टू वेक अप, टू वेक अप समवन, इजना, टू वेक, तो ऐसे ही हिंदी में क्या होगा? जगाना, जगना, जगाना, जगाना, बा, कब बा, हुई तो का अवस्था ठुआ, ठुआ हुआ, पता नहीं आसामीस में हुआ कि नहीं स्पेलिंग। तो ये है एजना। उसके बाद नेक्स्ट शब्द में आएंगे एरना, एरना, एरना का मतलब है ना, कॉल और टू इनवाइट, टू इनवाइट, एडना। और एक शब्द है कुलुख में मेघना, मेघना, टू कॉल, टू इनवाइट और बुलाना, इनवाइट करना। अच्छा आपको तो पता चल गया इनवाइट का मतलब, तो इनवाइट और बुलाना, काकबा निमंत्रण, निमंत्रण दिया टू बा माता, कागवा माता। तो ये है इसका एरना का मतलब बुलाना, निमंत्रण करा, इनवाइट, उसके बाद आगे आपका कान्ने, कान्ने मतलब कने, कने मतलब कैसे, कैसे, कैसे या किस प्रकार, किस प्रकार, हाउ, कहने को आ, कहने कहने को आ। तो ये है आपका एकान्ने, एकान्ने का मतलब कैसे, किस प्रकार, हाउ, कहने को। तो और एक शब्द है एक साथ, और वो है एटना, एटना, एटना। इंग्लिश में इसका होगा टू टियर, टू टियर, और हिंदी में फाड़ना, फाड़ना, टू टियर। असम इसमें फला, कपूर टू फला दिया, कपूर टू फाली दिया और फला, फाड़ना, टू टियर। तो
ये है आपका 5-7। ये से क्या क्या था? एड़पा, एड़पा, उसके बाद इजना, इजना, उसके बाद इतना, इतना, उसके बाद क्या था? एड़ना, एड़ना, और क्या था? करने करने तो ये 5-7 एक के साथ, उसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें? कू, आरसू, ये है। तो पहला होगा आपका ऊ से उगता, 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 उगता मीन्स इन इंग्लिश प्लाव, हाल, हाल जोता, जतना, हाल। यह असमिस में आपका हाल, सो इंग्लिश में आपका प्लाव है और हिंदी में हाल, सब इसमें हाल। उगता, यह था आपका उगता। उसके बाद आपका उजाड़, 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 उजाड़ का मतलब है आपका इडियट और पुलिस। उजाड़, उजाड़ का मतलब है इडियट और पुलिस। इन हिंदी में आपका मूर्ख, भाषा में इसमें मूर्खो, मूर्खो। तो ये है आपका उजाड़ का मीनिंग, उजाड़, उजाड़। तो अगला मीनिंग है, अगला वर्ड, अगला शब्द उम्दा, उम्दा। इसको तलंग सिक्की में लिखेंगे आप उम्दा, उम्दा का मतलब, उम्दा का मतलब है गुड और नाइस, गुड नाइस। हिंदी में अच्छा, असमिस में भार, असमिस में भार, यह होगा।
उसके बाद ये है उम्दा। उम्दा का मतलब है अच्छा, गुड और नाइस और हाल। और नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका उर्मी। उर्मी उर्मी मतलब जमने, जमने। और जाको, जाको सब मतलब इसका मतलब है सब। उर्मी सब, सब कैसे बोलता है आसाम इसमें, हकुलु। हकुलु वैसे ने हकुल हुआ ना। हकुलु बा गोटे गोटे। तो ये है उर्मी। उर्मी का जम्मे, जाको, तीन शब्द हैं, तीन चार। तो ये है उर्मी का मतलब है सब बाकोलू गोटे। उसके बाद और एक शब्द है उल्टा। उल्टा उल्टा का मतलब है उल्टा उल्टा बिल्डो। बिल्डो इसका कुरुख में मीनिंग है ये बिल्डो। तो इसको आप क्या लिखेंगे हिंदी में, विपरीत। विपरीत इंग्लिश में ऑपोजिट, इंग्लिश में ऑपोजिट। और आसामीस में आपका विपरीत, उल्टा। उल्टा का मतलब है विरुद्ध। उल्टा बा बिरदो, उल्टा बिरदो। तो ये है, तो हम लोग पांच शब्द किया है। और क्या क्या है वो, उगता, उम्दा, उर्मी। इसको उर्मी उर्मी और क्या था, उजाड़। और एक था उल्टा। तो इसका तलोंग सिक्किम में आपका होगा उगता, उम्दा, ये आपका उर्मी, दोनों के लिए एक ही होगा। उजाड़ और इसका है उल्टा।